रेसिपीज। और आज शैलेश किचन में बनने जा रही हैं जी मूंग दाल कचौड़ी, बहुत ही खस्ता बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो है वो मैदा ले लिया है। इसमें 4 टेबल स्पून मैं ऑयल ले लूँगी। कम से कम हमने इतना ऑयल लेना है कि जब हम इसको मिक्स करें तो ये आपस में चिपके। ऑयल चला गया जी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टी स्पून, और अभी हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और मलेंगे इस तरह से, ताकि बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी खस्ता सी कचूरियाँ बने। तो ये देखें जी, जब आप इसको इस तरह से बाइंड करें तो ये बाइंड हो जाए। आपने इतना देसी घी पिघला के या ऑयल जो है उसका इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, और इस तरह से आपने इसको मलना भी है, इससे क्या होगा, मैदे में बहुत अच्छा सा ऑयल या देसी घी अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अभी हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा थोड़ा करके पानी, और बहुत अच्छी सी इसकी सॉफ्ट, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड डो जो है वो बना लेंगे। तो ये देखें जी, बहुत अच्छी सी हमारी डो जो है वो बन गई है। अभी हम इस पे ऑयल लगा के तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे जी। तो मैंने यहाँ पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और इसको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। ज़ीरा फ्राई हो गया जी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन, और इसको हम करेंगे अब बहुत अच्छा सा फ्राई, ताकि बिल्कुल इसमें कच्चापन जो है वो ना रहे। बेसन बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। इसमें मैं अब डाल रही हूँ जी 2 बहुत ही फाइन चॉप्ड हरी मिर्चें जी। तो अभी हम इसमें डालेंगे जी, मैंने 1 कप दाल ली मूंग की दाल, और उसको 1 घंटा भिगो के तो उसको मैंने मिक्सी में धरधरा सा कर लिया। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी। इसे हम करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। अब आपने बेसन इसलिए ऐड किया है क्योंकि ताकि दाल में से सारा मॉइस्चर जो है ये एब्जॉर्ब कर ले। चलेंगे, ये देखें बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो रही है। यहाँ पे मैंने लो फ्लेम किया हुआ है। अब इसमें मैं करूँगी कुछ स्पाइसेस ऐड जी। तो हम थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे, तो 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ जी रेड चिली फ्लेक्स, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी हल्दी, 1/2 टीस्पून जाएगा जायके के मुताबिक इसमें सॉल्ट, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी रेड चिली पाउडर। अब हम करेंगे इसे बहुत अच्छा सा मिक्स। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जी चाट मसाला, जो कि इसको बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। अभी हम इसे करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स, और आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल जो है वो ड्राई हो गई है। और बेसन डालने का और इसको इस तरह से ड्राई करने का मकसद ये है कि जब हम अपनी कचूरी बनाएं तो अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो ये उसको खोल देगी, ओपन कर सकती है, और हमारी कचूरी जो है वो ख़राब हो सकती है। चलेंगे, ये हो गया हमारा बहुत अच्छा सा मटेरियल रेडी, और अभी हम चलते हैं कचौरी बनाने की तरफ जी। तो मैदा भी हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम थोड़ा थोड़ा मैदा लेंगे, और जिस साइज़ की आपने कचौरी बनानी है उस साइज़ का एक लोई लेंगे या मैदा लेंगे, डो लेंगे, और उसका बहुत अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से मैं छोटे छोटे जो पेड़े हैं वो बना बना के रखती जाऊंगी। ये देखें जी, मैंने तमाम जो पेड़े हैं छोटे छोटे वो बना लिए हैं। तो अभी हम इनको बेल लेंगे जी। तो हमने इसको बेल लिया है एक पेड़े को, और इसके अंदर हमने जितनी उसकी मिकदार रखनी है वो हम रख देंगे। बहुत ज़्यादा भरेंगे भी नहीं कि वो फटने लग जाए। ये देखें जी, और अभी हमने सिंपली क्या करना है, अभी हमने सिंपली इसको इस तरह से चारों तरफ से उठाना है और बंद कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखें, ये इसकी पोटली सी बन गई, और इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा है ये हम उतार देंगे, और इसको हम कुछ इस तरह से पेड़ा बना के तो हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखें जी, हमारी कचूरी रेडी है जी। तो लो फ्लेम पे ऑयल जो है वो जिस हद तक गर्म होना था, ये देखें हीट आ रही है। तो अभी मैं कचूरियाँ इसमें
ऐड कर दूंगी। लाइट हमारी सॉरी जी चली गई है, जितनी इसमें आ सकती हैं उतनी मैं इसमें कचौरियाँ जो हैं वो डाल दूंगी। ये देखें, चार कचौरियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा, आप देख रहे हैं बबल्स बन रहे हैं, जैसे जैसे ये ब्राउन होंगी ये फूलने लगेंगी और ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देंगी जी। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमने इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। आप मीडियम भी करेंगे तो ये उस तरह से खस्ता नहीं बनेंगी। हमने लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये ऊपर जो है वो आना शुरू कर देंगी और बहुत ही खूबसूरत कलर जो है उसके साथ ये फ्राई होंगी। तो ये देखें जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो कचूरियाँ हैं वो फूल चुकी हैं और ऊपर आना शुरू हो गई हैं। बहुत ही सबर आजमा काम है ये। तो इसी तरह तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं और हमारी कचूरियाँ जो हैं वो रेडी होंगी। ये अपना कलर चेंज करेंगी, लाइट गोल्डन कलर की तरफ जाएंगी और ये रेडी होंगी जी। तो एक साइड जो है वो बहुत अच्छे कलर के साथ ये देखें फ्राई हो गई है, तो हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। ये देखें, तो इसी तरह 5 से 6 मिनट लगेंगे इसकी दूसरी साइड को, लेकिन ये बहुत खस्ता बनेगी। तो इसी तरह हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे, याद रहे कि फ्लेम हमने लो रखना है। दोनों साइड्स बहुत अच्छे से कलर के साथ रेडी हो गई हैं ये देखें, और इस कदर खस्ता और क्रिस्पी बनी है कि आपकी सोच है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को अपनाएं, आप बार बार इसको बनाएंगे। तो अभी हम इनको निकाल देंगे क्योंकि ये रेडी हो गई हैं। ये देखें जी, हमारी कचौरियाँ रेडी हैं, अभी हम इनको निकाल देंगे जी। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये किस कदर खस्ता है, तो मैंने कहा मैं आपको तोड़ के भी शेयर करती हूँ। ये देखें, ये देखें किस कदर खस्ता और किस कदर डिलीशियस और अंदर तक ये पकी हुई है जी। तो हमारी मूंग दाल कचौरी रेडी है, बहुत ही खस्ता, बहुत ही डिलीशियस। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। नहीं।